धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब देश के अन्य राज्यों से सांसद आकर दिल्ली के बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि हम 365 दिन में से 200 दिन दिल्ली में बिताते हैं। और मैंने कई बार कहा है इससे पहले भी कि क्योंकि हम ज्यादातर समय दिल्ली में बिताते हैं, जब पार्लियामेंट नहीं भी चल रहा होता तब भी यहाँ पर कमेटी के अपना कार्यक्रम करने आते हैं, इसलिए कम से कम अपने सांसद निधि में से 1-1 करोड़ रुपया सभी को दिल्ली में देना चाहिए। सर हम यहाँ पर दिल्ली नगर निगम को दिल्ली नगर कैसे मजबूत हो, दिल्ली नगर सबका है, दिल्ली वासियों की सबका है, दिल्ली नगर निगम कैसे मजबूत हो, हम इसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज हम किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं खड़े। ये बिल किसी पार्टी को मजबूत नहीं करता, ये बिल दिल्ली नगर निगम को मजबूत करता है। अभी चुनाव आने वाला है, दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो चुनाव में किसको जिताएगी। दिल्ली में बीजेपी भी जीत सकती है, जो बाकी और कुछ पार्टियां हैं वो भी जीत सकती है, दिल्ली की जनता तय करेगी। और जो भी जीत कर आएगा, ये एमसीडी अगर मजबूत होगी तो उसको फायदा होगा, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। हम यहां पर पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर एमसीडी को मजबूत कर रहे हैं। और मैं जो भी प्रश्न मेरे से पहले बोलने वाले स्पीकर ने उठाए, सबका जवाब हमारे गृह मंत्री जी तो देंगे ही। और क्योंकि अभी जो अपना मनीष तिवारी जी बोल रहे थे और चाहे अपना गौरव जी बोल रहे थे, सभी अपना प्रश्न भी कर रहे थे और खुद ही उत्तर भी दे रहे थे। मनीष तिवारी जी ने बोला कि ये बिल आज ये केंद्र में क्यों आ रहा है, दिल्ली सरकार को लाना चाहिए था, क्योंकि 2011 दिसंबर में दिल्ली सरकार लाई थी। और उसी के साथ में उन्होंने उसका उत्तर भी दिया कि 239 AA में सी में ये अपना प्रावधान है कि भारत सरकार कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकती है। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन कैसे बनी, हम ये वही तो समझा रहे हैं आपको कि जो अभी गृह मंत्री जी ने बोला सौतेले मां की तरह जो दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ में व्यवहार कर रही थी, वो सौतेला व्यवहार हमको यहां तक लेकर आया, वरना हमने इसको 2017 में क्यों नहीं किया अमेंड। 2017 में देश में हमारी सरकार थी, 2017 में दिल्ली में जो आज सरकार है वही सरकार थी। अगर हमको इसको कोई हमारी पार्टी को मजबूत करना होता तो हम इसको 2017 में करते, आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि शायद दिल्ली सरकार सुधर जाए, शायद वो जो एमसीडी का बकाया पैसा है वो दे दे। सर मैं दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली को पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है। अब ऐसे में जहां पर सारी सफाई का काम एमसीडी के ऊपर है, दिल्ली को सुंदर बनाने का काम एमसीडी के ऊपर है, ऐसे में अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेगी, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर होती रहेगी तो दिल्ली सुंदर कैसे बनेगी? सर दिल्ली को हम साफ कैसे रख सकेंगे? भारत पूरे दुनिया में टोक्यो के बाद भारत की राजधानी दिल्ली सबसे घनी आबादी वाली राजधानी है। और दिल्ली में दिल्ली एमसीडी केवल शहर का काम नहीं करती, बाकी आप देखेंगे राजधानी में तो सारी जो लोकल बॉडीज होती हैं वो केवल शहर का काम करती है, मगर दिल्ली की एमसीडी शहर को भी संभाल रही है, दिल्ली की एमसीडी गांव को भी संभाल रही है, दिल्ली की एमसीडी जो हमारे प्रधानमंत्री जी अनऑथराइज कॉलोनी पास करी उसको भी संभाल रही है,
दिल्ली की एमसीडी जेजे क्लस्टर सारे स्लम सभी को संभाल रही है। 2011 में अभी गौरव जी कह रहे थे कि आपने एक साल पहले क्यों नहीं किया ये। अरे भाई आपने कब किया था? जब 2012 में चुनाव हुए एमसीडी के, आपने उससे दो महीना पहले ही तो किया। तीन हम एक महीना पहले कर रहे हैं, हम अपना तीन महीना पहले कर रहे हैं या हम एक महीना पहले कर रहे हैं? आपने कब किया? आपने कोई एक साल पहले किया था क्या? जब आपने किया 2011 दिसंबर में और चुनाव हुए 2012 फरवरी में। और अगर आपने इतना अच्छा किया था दिल्ली के लिए तो 2012 में एमसीडी में बीजेपी कैसे जीत गई? उस समय की मुख्यमंत्री ने कहा था बहुत बड़ा रिफॉर्म कर रहे, एक की तीन कर दी, तो फिर बीजेपी कैसे जीती? मतलब दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती थी एक की तीन हो, और भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती रही कि एक की तीन नहीं होनी चाहिए। अब इनका दूसरा सवाल यह था, इनका दूसरा सवाल था कि हमारे नेता का नाम लेकर इन्होंने कहा कि मल्होत्रा कमेटी ने यह रिकमेंड किया था। खाली मल्होत्रा कमेटी ने नहीं, पांच कमेटियां बनी, सबने ये कहा था कि एक की तीन होनी चाहिए। किसी कमेटी ने नहीं कहा कि एक रहनी चाहिए, सभी ने कहा, मैं कह रहा हूं। मगर उसने, उस कमेटियों ने और क्या क्या कहा था? खाली एक की तीन करना नहीं कहा था, उस मल्होत्रा कमेटी ने यह भी कहा था कि जब ये तीन होंगी तो जो दिल्ली में सेल टैक्स का 15% वो एमसीडी को जाना चाहिए। क्या गया? नहीं गया। तो आप ये कमेटियों का एक जो उनका अपना सिफारिश था उसको तो आप बता रहे हैं। मैं अभी आपको, जब अभी शुरू कर रहा हूं, आपको सारे तथ्य बताऊंगा, और केवल जैसे गृह मंत्री जी ने कहा मेरिट के ऊपर बताऊंगा कि हम ये एक की तीन कर क्यों रहे हैं और इसका फायदा क्या है दिल्ली को। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, तीन की एक कर रहे हैं, हम अपना यूनिफाइड कर रहे हैं। जैसे पहले सिस्टम था वैसे ही आज कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम पहले अच्छा चल रहा था और आज वो खराब चल रहा है, हम उस सिस्टम को ठीक कर रहे हैं गौरव जी, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहां पर कोई सांसद नहीं है आज। को मान लो दिल्ली में शराब बहुत आजकल बिक रही है, तो जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही उसका प्रचार करते थे, आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। आज कोई सांसद नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगा जब हमारी बहन महुआ मित्रा जब बोल रही थी तो मुझे लगा कि कल आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क किया होगा, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री आजकल भाई बहन बने हुए, उन्होंने संपर्क किया होगा टीएमसी पार्टी से कि भाई हमारा तो कोई है नहीं, तो ये पॉइंट है, आप जरा बोल दीजिए। तो वो ऐसा बोल रही थी, ना तो आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना, ना आपका कोई यहां पर सीट आती है। आप कहेंगे देश का है सांसद तो हम क्यों नहीं उठाएं, उठाइए, मगर स्वार्थ नहीं, हित देखिए दिल्ली का। जिस दिल्ली में आप 200 दिन रहते हैं, जिस दिल्ली में आप घूमते हैं, आपका कोई ना कोई दूसरा मकान भी प्राइवेट होगा, उस दिल्ली का तो जो है हित देखिए। बाबा बहुत बढ़िया है, सभी का घर है प्राइवेट में, जानता हूं सब पता है सर। केंद्र को पूरा अधिकार प्राप्त है संविधान के मुताबिक कि आज वो बिल यहां पर आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, किन स्थिति में आ रहा है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में जब ये तीन कॉरपोरेशन हुई तो होना क्या चाहिए था सर, कि जब एक अपना फ्रेश स्टार्ट करते तो हम उनको पैसा देते हैं कि आप ये पैसा लीजिए अपने अकाउंट में और एक अच्छा काम करिए। मगर जब तीन कॉरपोरेशन हुई तो उनके बैंक बैलेंस में 1831 करोड़ रुपए का डेफिसिट था। दिल्ली सरकार ने उनको पैसा देना चाहिए था, ग्रांट इन एड देना चाहिए था,
मगर 1831 करोड़ रुपए देकर उनकी विदाई करी कि जाओ भैया अब तुम अपना काम करो। उसके बाद में जब 2012-2013 में फोर्थ फाइनेंस कमीशन बैठा, फोर्थ फाइनेंस कमीशन ने बोला कि तो जब वो फोर्थ फाइनेंस कमीशन बैठा तो उस की रिपोर्ट में कहा गया कि 11,323 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को एमसीडी को देना चाहिए और दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। जब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन बैठा और इन्हीं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने बिठाया, वो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 40,561 करोड़ रुपया, सर सेवन जो हमारा 74th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो क्या कहता है, ये बार बार उसकी दुहाई दे रहे थे। वो 74th अमेंडमेंट ये कहता है कि देश में सारी लोकल बॉडीज को अधिकार प्राप्त होना चाहिए और उनका देखभाल, उनका रख रखाव ये वहां की विधानसभा का जिम्मेदारी है, ये जो वहां की राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी लोकल बॉडीज की चिंता करे। अब केवल तीन करने से तो काम नहीं बनता ना, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में आ रहा है कि 40,561 करोड़ रुपया देना है तो दिल्ली सरकार कितना दे रही है, दिल्ली सरकार अपनी विधानसभा में 17,000 करोड़ रुपया पास कर रही है, यानी कि 23,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दिया नहीं। अब कैसे चलेगी एमसीडी? गौरव जी कह रहे थे कि 1831 करोड़ रुपए का लोन था, आज वो 6,000 हो गया, होगा ही? जब तीनों एमसीडी का जो रेवेन्यू है वो तो है 6,900 करोड़ रुपया और उसके एक्सपेंसेस है 8,200 करोड़ रुपया, तो हर साल 2,000 करोड़ रुपए का लॉस तो बढ़ ही रहा है और उसके ऊपर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आज वो 10 सालों के बाद में 10,000 करोड़ रुपए का बोझ है एमसीडी के ऊपर। अगर दिल्ली सरकार ये 40,000 करोड़ रुपया एमसीडी का दे देती, आज ये बिल लाने की जरूरत नहीं थी, आज एमसीडी अच्छा काम करती, एमसीडी अच्छा काम कर रही है, वो और अच्छा काम करती। सर जब ये तीन हुई तो एक बनी साउथ कॉरपोरेशन, एक बनी नॉर्थ, एक बनी ईस्ट। साउथ दिल्ली को हम सब जानते हैं, ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार, वसंत कुंज, बहुत बड़े बड़े यहां पर पोर्श इलाके हैं। नॉर्थ को हम देखें तो वहां पर गांव है, अनऑथराइज कॉलोनी है। अगर हम ईस्ट को देखें वहां पर भी अनऑथराइज कॉलोनी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार वो अनऑथराइज कॉलोनी निकलता है, मगर वो अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी। जब ये हुआ तो जो हमारे टैक्स पेयर हैं वो हमारे ईस्ट दिल्ली में केवल 2,88,000 करोड़ रुपया टैक्स देते, 2,88,000 लोग, और नॉर्थ में 3,35,000 लोग अपना टैक्स देते प्रॉपर्टी टैक्स, साउथ में 4,75,000। तो ईस्ट और साउथ में 2,00,000 ज्यादा लोगों का डिफरेंस है, साउथ में 2,00,000 ज्यादा लोग अपना टैक्स दे रहे। दिल्ली एमसीडी को टैक्स कहां कहां से मिलता है, उनके रेवेन्यू सोर्सेस क्या है? दिल्ली एमसीडी को मिलता है, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, एक जो वो अपना एडवर्टाइजमेंट जो देखते हैं केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े इश्तेहार झूठे झूठे वो सब वहां से मिलता है, और जो उनको इनडायरेक्ट टैक्स मिलते हैं जो दिल्ली सरकार कलेक्ट करती है, प्रोफेशनल टैक्स और वो ट्रांसफर ड्यूटी और उनका पार्किंग टैक्स, ये एमसीडी के रेवेन्यू सोर्सेस है। मगर एमसीडी तो तब चलेगी जब दिल्ली सरकार ये पैसा उनको देगी, ये जो टैक्स वो कलेक्ट करते हैं उसमें भी अपना कमीशन, अपना सर्विस चार्ज को काट कर एमसीडी को टैक्स देते हैं। दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री को लगता है कि अगर एमसीडी को मजबूत कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी बार बार जीत रही है। सर फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशन थी मैं वो बताना चाहता हूं और क्या क्या दिल्ली सरकार ने नहीं मानी। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि एजुकेशन के लिए दिल्ली सरकार को एमसीडी को पैसा देना चाहिए, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया।
वो रिपोर्ट में कहा गया कि लोन को वेव करना चाहिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किया। उसमें कहा कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, नहीं किया। उन्होंने कहा ट्रांसफर ड्यूटी और ये वो सारी जो आपने कमीशन बताए, जो सारी कमेटी बताई, उन्होंने भी कहा कि ट्रांसफर ड्यूटी को 3% से 5% कर दीजिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सैनिटेशन का खर्चा वो आपको देना पड़ेगा, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। सर मिड डे मील, दिल्ली में एमसीडी 8 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है, बिना पैसे लिए पढ़ाती है, उनको दोपहर का भोजन देती है। उस मिड डे मील का जब पैसा दिल्ली सरकार से मांगा तो मैं सदन को बताना चाहता हूं और आप सबको निंदा करनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो पैसा कहां खर्च किया। जब वो तेलंगाना में सरकार बनी थी तब हमने सुना था कि वहां के मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपया अपना घर में लगाया। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है, आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है 21 करोड़ रुपया। परवेश सिंह जी प्लीज अवॉइड पर्सनल रिमार्क्स प्लीज। सर पर्सनल क्या है इसमें, मैं तो बता रहा हूं कि सरकारी खर्च, वो अपना खेती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खेती करके गेहूं बेच के नहीं लाए, वो दिल्ली का टैक्स पेयर का 21 करोड़ रुपया अपने घर में क्या वो स्विमिंग पूल बनाएंगे। उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 21 करोड़ रुपया लग रहा है। और कौन सा पैसा लग रहा है, जो दिल्ली के गरीब बच्चों का मिड डे मील का पैसा था वो पैसा वो लगा रहे। उसके बाद में ये सारी कमेटीज ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दीजिए, पार्किंग टैक्स बढ़ा दीजिए, प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा दीजिए, दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाया। जब एमसीडी ने कहा कि हम कुछ पैसा के लिए अपना बॉन्ड्स ले आए क्या, तो दिल्ली सरकार ने कहा नहीं नहीं ये भी आपको परमिशन नहीं। मगर खुद दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं क्योंकि उनको विज्ञापन करना है, उनको विज्ञापन की भूख है, झूठे विज्ञापन। उसके लिए 1000 ठेके दिल्ली में खोले गए हैं, मगर एमसीडी को पैसा नहीं देना, मिड डे मील का पैसा नहीं देना, अपने विज्ञापन की पूरी चिंता है, पूरा जुगाड़ कर रहे हैं। परवेश सिंह जी कितना और समय चाहिए? सर आधा घंटा और चाहिए। आधा घंटा? आपका अगला स्पीकर भी है बीजेपी में सर, सो ट्राई टू कंक्लूड प्लीज। आपको सर हमारा तो बहुत समय पार्टी समय का है, आपको पार्टी के मेरे है? बाद में एक ही मनोज जी हैं। अच्छा। आपको आपको हैरानी होगी सदन को और देश को हैरानी होगी और देश आश्चर्यचकित होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई मार्च 2021 में, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खर्च किया विज्ञापन पर, 92 करोड़ एक दिन का 1.25 करोड़ रुपया। जब दिल्ली में डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे थे, नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं वो ले नहीं रहे, हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पीएम प्रधानमंत्री जी के वेंटिलेटर पर अपना फोटो चिपकाकर अखबार में फोटो दे रहे हैं और केवल उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तब डॉक्टर और नर्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमसे काम करवाया जा रहा है 24 घंटे, हमारे लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा मिला। सर आज ये बिल लाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि हमें एमसीडी को मजबूत करना है। हम ये बिल आज क्यों लेके आए, अब लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमसे विपक्ष कह रहा है कि डर गए चुनाव से, चुनाव आ रहा था डर गए, 2017 में तो नहीं डरे हम।
आज हम डर गए क्योंकि आज उनको लगता है कि पंजाब में वो जीत गए और थोड़ी बहुत सीटें आ जाएंगी। अगर चार महीने बाद चुनाव होगा तो ये भी नहीं आएंगी और चार महीने में उनकी पार्टी पंजाब में एक्सपोज हो जाएंगी, इसलिए वो डर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे नहीं आज ही चुनाव कराओ। गौरव जी ने कहा पहले चुनाव करवा लो, दो महीने के बाद में इसको यूनिफाइड कर दो, तो जब ये यूनिफाइड होगा तभी दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है चुनाव करवा लो उसके बाद में यूनिफाइड कर दो। हम नहीं डरे सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग डर गए। क्या दिल्ली की जनता पर उनको भरोसा नहीं है कि आज दिल्ली की जनता जिसको वोट देगी तो चार महीने के बाद भी तो उसी को देगी? क्या चार महीने में वो अपना जो है मन बदल लेगी? तो हम नहीं डरे सर, हम ये बिल इसलिए लेके आए हैं और छह महीना पहले इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि किसी भी इलेक्टेड बॉडी को उसका टर्म कंप्लीट करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। जो सारे निगम पार्षद पांच साल के लिए चुन के आए हैं, हम उनको छह महीना पहले हटा दें क्या? उनको पूरे पांच साल का टर्म पूरा नहीं करने देंगे? जो आने वाली दिल्ली में एमसीडी की सरकार होगी उसके पार्षद भी पांच साल का टर्म पूरा करेंगे, केवल ये जो बीच का गैप है इसमें एक स्पेशल ऑफिसर दिल्ली की चिंता करेगा जब तक ये पूरा डिलिमिटेशन नहीं होता। तो हम ये इसलिए लेके आए हैं कि पहले वाली एमसीडी अपना पांच साल का पूरा टर्म कंप्लीट करे और आने वाली एमसीडी अपने पांच साल का पूरा टर्म कंप्लीट करे, इसलिए हम ये बिल लेके आए। छह महीना पहले जब कोई विपक्ष का राज्य में कोई चुनाव आने वाला होता है और जब भारत सरकार वहां पर एक हफ्ता पहले उसको लगता है कि भंग कर देते हैं, तब तो पूरा देश चिल्लाता है, विपक्ष चिल्लाता है कि ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। क्या एमसीडी का कोई लोकतंत्र नहीं है? उनको हम छह महीना पहले कैसे भंग कर सकते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया, और यहां पर भी हमारे दोस्त कह रहे हैं एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया। जब 2011 में एक से तीन हुई थी तो क्या दिल्ली सरकार ने एमसीडी की राय ली थी? नहीं ली थी, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और भारत में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर दिल्ली बीजेपी में, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। क्या उनसे पूछा गया था जिनको एक से तीन कर रहे थे? नहीं पूछा गया था। आज दिल्ली सरकार की इस बिल में सारी शक्तियां खत्म कर रहे और हमने एमसीडी से पूछा है और एमसीडी तैयार है, एमसीडी में जो पार्टी है उनसे पूछा वो भी तैयार है। तो जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा दिल्ली का काजी? दिल्ली के काजी को क्यों अपना चिंता हो रही? हम दोनों तैयार हैं, एमसीडी तैयार है, दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। हां बहुत है। कर कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक, मैं नाम ले सकता हूं यहां पे क्या? नहीं नहीं, उन्हीं का पार्टी की विधायक गीता रावत निगम पार्षद, अभी एक महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं, वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा। और पार्षद क्यों ना करें जब मालिक ही ऐसा है? पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं, राज्यसभा की टिकट भी बिक रही है, जो उनके साथ लगे हुए थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। जब मालिक ही ऐसा है तो निगम पार्षद क्यों नहीं करेंगे? कंपटीशन है,
सर मैं पूरे निधन से आज पूरे अपना सदन से आज हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि दो दिन पहले सबने सुना था कश्मीर हिंदुओं के ऊपर में जब वहां की मां बहन बेटी पत्नी का बलात्कार हुआ, जिंदा औरतों को काटा गया, वहां पे युवाओं के सर पर गोली मार दी गई, सबको घर छोड़कर आना पड़ा और दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी मौत पर उनके नरसंहार पर हंसता है, उसके ऊपर ठहाके लगाता है और कहता है ये झूठ है, ये फिल्म झूठ है, ये कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार ये झूठ है। क्या एक मुख्यमंत्री आजाद इतिहास में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। और इनका दोगलापन देखिए सर, सर 5 मिनट चलिए, 10 मिनट और दीजिए सर, इनका दोगलापन देखिए। अब मैं थोड़ा स्पीड करता हूं, इनका दोगलापन, आप दोगला रिपीटेशन अवॉइड करो ना, समाप्त किए सर, इनका दोगलापन देखिए कि ये बोलते हैं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं, नील बटे सन्नाटा इज अ ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, वी हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा। मगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला शो पहला दिन का देखने वाला मुख्यमंत्री और अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। सर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और बहुत ही घिनौनी बात करी, उन्होंने विधानसभा में कहा हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। प्लीज अवॉइड द कोटिंग्स इन द स्टेट। हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। परवेश सिंह जी, क्या आजाद भारत के इतिहास में हिटलर को कोई अच्छा बताएगा प्रधानमंत्री? और क्या प्रधानमंत्री केवल हमारे? अवॉइड द कोटिंग्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का प्रोसीडिंग्स इधर। क्या प्रधानमंत्री केवल हमारे? क्या प्रधानमंत्री पूरा देश के नहीं है? और वो हिटलर अच्छा है प्रधानमंत्री से, ऐसा बोलेंगे? सर इस बिल के फायदे क्या हैं? और प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर के पैरों में पड़े। पैरों में कौन पड़ा सबको मालूम है ना? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे नेताओं के ऊपर में पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोर्ट में केस किए, फिर लंबा पैरों में लेटकर उनसे रिटर्न में माफी मांगी। तो पैरों में पड़ना हमारी आदत नहीं है, पैरों में पड़ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की आदत है। सर इस बिल्ले, सर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने बहुत स्कूल बनाए, सबने सुना होगा, हमने बहुत स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए, सबने सुना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते बनाए। मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं किया, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य, इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में? बताइए कभी आएगी ऐसा जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाने वो YouTube पर जाए और इलाज करवा ले, जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए YouTube पर जाए और एडमिशन करा ले, जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम YouTube पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिल। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है। सर सर बिल के, इस बिल के फायदे बता रहा हूं, अब तो खत्म हो गया सर, इस बिल के फायदे बता रहा हूं, बिल के फायदे बता रहा हूं। देखिए सब मेरी बात से सहमत होंगे, पहले एक मेयर था, एक कमिश्नर था, 22 विभाग थे, 3 होने के बाद में 3 मेयर हो गए, 3 कमिश्नर हो गए, 66 विभाग हो गए, उनके और सारे अधिकारी सारे ट्रिपल ट्रिपल हो गए, सबकी गाड़ियां ट्रिपल हो गई, सबके घर ट्रिपल हो गए, सबके ऑफिस 3 हो गए,
सबकी बिल्डिंग तीन हो गई, ये बोझ क्यों उठाई दिल्ली की जनता? जो कांग्रेस ने गलत काम किया, हमारा तो काम यही रह गया, ये गलत काम कर इतने इन्होंने इतना कर दिया कि हमारी सरकार इनके कामों को ठीक करने में लगी हुई है। यस, तो ये सारे खर्चे कम होंगे, 200 करोड़ रुपए एमसीडी का हर साल बचेगा सर, हमारा बराबर का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीन एमसीडी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 12 जोन तो पहले से ही है, जब 12 जोन है 12 डीसी है तो काय को तीन एमसीडी चाहिए। सर, इस बिल लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, जब भारत सरकार दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करना चाहती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उसको रोक देते हैं, जब भारत सरकार दिल्ली में हृदय और हमारे टूरिज्म सर्कल और हमारा उज्ज्वला योजना, जन औषधि योजना जब वो लागू करना चाहती है एमसीडी के माध्यम से तो दिल्ली सरकार उसको रोक देती है, इसलिए बिल लाने की जरूरत पड़ी। मैं अगर एमसीडी की, सर आप समाप्त कीजिए। सर, एक मैंने पिक्चर देखी थी सर, उसमें शशि कपूर बोलते हैं अमिताभ बच्चन को, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और अकाउंट बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं मेरे पास माँ है। तो केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं एमसीडी को, मैंने कॉलेज बनाए, मैंने स्कूल बनाए। अच्छा, उल्टा है। हाँ, अमिताभ बच्चन शशि कपूर को, सर दो मिनट, आपने 5 मिनट मांगा, 5 मिनट। अमिताभ बच्चन बोलते, सॉरी गल उल्टा हो गया, अमिताभ बच्चन बोलते शशि कपूर को गाड़ी बंगला ये सब, तो शशि कपूर बोलते मेरे पास माँ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारी एमसीडी को कि मैंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, स्टेडियम बनाए, तुम्हारे पास क्या है? तो एमसीडी बोलती है मेरे पास एड्रेस है, एड्रेस मेरे पास पता है जहां मैंने बनाए, जो मैंने 2 हॉस्पिटल बनाए तिलक नगर में और कालकाजी में, उसका एड्रेस है। आपके पास तो अदृश्य है, वो केवल होर्डिंग पर दिख रहे हैं, यूट्यूब पर दिख रहे हैं, विज्ञापन में दिख रहे, टेलीविजन पर दिख रहे और कहीं नहीं दिख रहे। समाप्त। सर, गौरव जी ने एक बात और कही, गाजीपुर लैंडफिल की हाइट कुतुब मीनार तक हो रही है, नहीं, 11 मीटर एमसीडी ने कम कर दी। गौरव जी, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और पढ़कर आना चाहिए। आप समाप्त कीजिए। सर, गृह मंत्री जी को मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं बिल के ऊपर, उस सजेशन के बाद कंक्लूड करो। बिल्कुल, पहला सुझाव मेरा है कि दिल्ली में कुछ हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको एल्डर मैन कहा जाता है, पहले 10 होते थे, दिल्ली सरकार ने उसको 30 कर दिए क्योंकि जीत के तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा नॉमिनेट ही करो, जिस जोन में उनको मेजोरिटी नहीं मिलती है वहां पर वो 10-10 एक ही जोन में बना देते हैं। मेरा ये सुझाव है कि दिल्ली में 12 जोन है तो 12 ही नॉमिनेटेड मेंबर एल्डरमैन होने चाहिए और एक जोन में केवल एक होना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है, और इसकी ताकत या तो एलजी बनाए या मेयर बनाए। दूसरा मेरा सुझाव है, तीसरा, कि जो फाइनेंस की, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को सख्ती से लागू होना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि काउंसिलर को कम से कम, निगम पार्षद को एक सफाई कर्मचारी जितना बेसिक अलाउंस तो मिलना चाहिए, आज एक रुपया भी नहीं मिलता। एक जो सफाई कर्मचारी को 15-20 हजार रुपए जितना मिलता है उतना निगम पार्षद को मिलना चाहिए। Yes. चौथा मेरा सुझाव है, जैसा एमसीडी में पहले होता था, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड और फायर, डूसिप, डीटीसी, ये सारा एमसीडी का अधिकार था। अगर हम इसको यूनिफाई कर रहे हैं तो अगर हम इसको पहले वाली एमसीडी ही कर दें और ये सारे अधिकार भी एमसीडी को दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और जो दिल्ली सरकार टैक्स कलेक्ट करती है वो उनको कहा जाए कि 7 तारीख तक हमें मिलना चाहिए एमसीडी को। अभी ये बोल रहे हैं सर, नो नो, आप समाप्त। सर सर, एक लाइन लास्ट, समाप्त कर रहा हूं। दादा बोल रहे हैं कि मस्जिद बोल रहे हैं, हाँ वो कुछ नहीं सर, बोला। आपको मालूम है ये पैसा कहां जा रहा है एमसीडी का? 5 साल में 55 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देने में दिया है, मगर Yes. मंदिर के पुजारी को नहीं दिया और गुरुद्वारे के ग्रंथी को नहीं दिया। समाप्त कीजिए। केवल ये एमसीडी का पैसा अपना स्विमिंग पूल, मस्जिद के मौलवी, धन्यवाद, इन सब में लगा रहे हैं। तो ये जो सर, मैं एक बार इसका अपना समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं विपक्ष को कि पार्टी को मजबूत करने का बिल नहीं है,
ये एमसीडी को मजबूत करने का बिल है। धन्यवाद।